अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी जीएम अगेन एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर सभी को वेलकम। तो गाइस नेक्स्ट ईरा मैप के ऊपर अपनी लैंडिंग जो है ना हो चुकी है। यहां पे एंजेलिक पैंट के साथ एक बंदा था, चलो इसको टपकाते हैं। सबसे पहले ओ भाई वैनम, यहाँ पे वैनम को काफी अच्छा हेडशॉट। इसके बाद इस गेम के बाद इस बंदे की रिग्रेस भी आई हुई थी, काफी अच्छा प्लेयर है यहाँ पे वैनम। तो बाकी भाई रैंक पुशिंग की वजह से वीडियो जो है थोड़ी सी लेट अपलोड हो रही है, कोई बात नहीं। रैंक पुशिंग भाई इतना ज्यादा कर रहा है कि 24 आवर्स में से 18 आवर्स आपका भाई गेम ही खेल रहा होता था। बाकी यहाँ पे जो हबीब GM86 के बाद आप लोगों को हबीब नजर आ रहा है, इस बंदे ने भाई मेरे को बोला था कि भाई रैंक पुशिंग करेंगे कुछ भी, बट घरेलू मामला था और इश्यूज की वजह से बंदा अपने साथ जुड़ नहीं पाया, जिसकी वजह से हम लोग रीजन मिस कर गए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, लेकिन हम लोगों ने 200 बंदों तक पुश कर लिया था। टॉप 200 प्लेयर्स है ना पाकिस्तान के अंदर, उनके अंदर हम लोग सोलो ही आ गए थे, लेकिन अगर वो साथ देता तो आराम से हम लोग टॉप 50 के अंदर आ सकते थे। बंदा यहाँ पे हम लोगों ने मार दिया है टेस्टिना मैप के ऊपर। अरे भाई यहाँ पे बनी जिसका नेट ही नहीं है, बाकी चेक करो 2 किल्स के साथ ले लिया। तो भाई हीरो की ऊपर सी लॉबी यानी कि मास्टर और ग्रैंड मास्टर के दरमियान लॉबी है, तो अगर एक या दो बंदे मरते हैं तो एज यूजुअल उनका भाई यही होता है स्क्वाड के अंदर के बाकी जो टीममेट है वो उनको सबसे पहले रिवाइव करा लेते हैं। यहाँ पे काफी अच्छा ट्रिक लगाया बट ऊपर की साइड गया नहीं। यहाँ पे मैंने चेक करा है कि नक्सेरिया के ऊपर जो हीरो के से ऊपर के प्लेयर होते हैं जिन लोगों ने एक्चुअल में अपना रैंक बचाना होता है, दो बंदे इस जगह के ऊपर जाके बैठ जाते हैं और वहां से फायर देना चालू कर देते हैं और वहां से 2 या 3 के लिए आराम से निकाल लेते हैं। बट यहाँ पे चेक करो M60 है अपने पास, साथ में MP40 और इस साइड अपना टीममेट जो ना फायर दे रहा है, तो मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे तकरीबन 1 या 2 बंदे हैं जिनको ये फायर दे रहा था, बट मेरे को किसी इशू की वजह से यहाँ पे शो नहीं हुए थे। बाद में मैंने चेक करा कि पीछे की साइड एनिमी की लोकेशन शो हो रही है, तो यहाँ से सबसे पहले कुछ उठा लेते हैं, ग्लूअल वगैरह मिल चुकी थी यहाँ से। इसके बाद सामने की साइड वो रहा बंदा, एक स्कोप करते हैं, स्कोप था नहीं बट बगैर स्कोप के यहाँ पे एक बंदे को नॉक, एक और बंदा यहाँ पे। ये ड्रैगन ने गलती करी है, ड्रैगन को चाहिए था कि पहले उसको रिवाइव कराता। यही दिक्कत करते हैं कि मास्टर के प्लेयर जो है ना ग्रैंड मास्टर तक नहीं पहुंच सकते, हीरो के प्लेयर जो है ना वो मास्टर तक नहीं पहुंच सकते, मास्टर ग्रैंड मास्टर तक नहीं पहुंच सकते। ये छोटी छोटी दिक्कतें होती हैं जो कि भाई इनको चाहिए कि सबसे पहले अपने टीममेट्स, अगर कोई स्क्वाड का नॉक हुआ है तो पहले चाहिए कि उसको रिवाइव करा ले। ये चेक करो, ये बंदा आपसे ही कर रहा है, ये बंदा आया है सबसे पहले उसने ग्लूअल डाली, 1 नहीं 2 नहीं 3 4 ग्लूअल डाली है और उसके बाद अपने टीममेट को करा रहा है रिवाइव। बट यहाँ पे गलत स्क्वाड के हाथ से चढ़ गया है भाई, यहाँ पे ग्रैंड मास्टर प्लेयर के आगे रिवाइव कराना, वो भी बगैर ग्लूअल स्किन की। अगर ग्लूअल स्किन होती तो आराम से बंदा रिवाइव करा लेता, और जिस तरीके से उसने ग्लूअल डाले थे ऊपर से ना तो ग्रेनेड फेंक सकते ना कुछ। बाकी ये रहा बंदा, आई थिंक भाग रहा है, चलो लास्ट ही बचा था, 5 किल यहाँ पे डन हो चुके हैं, साथ में एक्सीमेट आपके भाई ने उठा लिया। एक्सीमेट का ये सीन है कि भाई एक्सीमेट और ये जो हम लोगों ने दूसरी उठाई हुई MP5 और इसके साथ हमारे जो मशीन गन है 100 गोली, वो अपना रीजन लग चुका है। टॉप 50 के अंदर है हम लोग, मशीन गन 100 गोली के अंदर, एक्सीमेट के अंदर तकरीबन टॉप 20 और इसके साथ MP5 में भी कुछ इस तरीके से है, बट थोड़ा सा यहाँ पे किल नहीं करे तो वीडियो को इस जगह को स्किप कर ले हम। तो दोस्तों यहाँ पे एक बंदा था, 1 नहीं 2 थे आई थिंक, एक ही था जिसको भाई हम लोगों ने पहले काफी अच्छा डैमेज दिया, बट ऊपर की साइड जाके अपनी शाणापंती कर रहा था ये लोग। या भाई एक ही ग्रेनेड लगा हुक करके और यहाँ पे 6 किल आपके भाई ने कर लिया डन, और 29 बंदे आला में आपने को तकरीबन 8 से 10 किल चाहिए होते हैं। अगर आपका ग्रैंड मास्टर रैंक है तो रैंक बचाने के लिए तकरीबन आपको 8 से 10 किल चाहिए होते हैं, और ये नहीं है कि 10 सिर्फ किल ही चाहिए होते हैं। अगर आपके 10 से 12 किल है और आप अर्ली मर जाते हैं यानी कि 30 से 35 बंदे अलाइव है तो भी आप लोगों का माइनस होता है, तो इसमें सर्वाइव भी लाजमी है, बुइया भी आप लोगों ने करना है। ऐसा नहीं है कि अगर आप लोगों को ग्रैंड मास्टर है तो आप बुइया मिस कर दें, ग्रैंड मास्टर प्लेयर को बुइया चाहिए ही चाहिए होता है, वो अलग बात है कि ग्रैंड मास्टर जो रीजन टॉप 1 है वो बुइया इस वजह से मिस करते हैं क्योंकि 10 से 15 के स्ट्राइक के बाद आप लोगों को पता है आईडी ब्लैक लिस्ट हो जाती है और वे काफी दिक्कत वाली बात है। ग्रीनर को चाहिए स्पॉन करें। ओ यहाँ पे जो MP5 के हेडशॉट पड़े हैं काफी अच्छे, मैक्रो पता नहीं क्या नाम था इसका, वो इसके साथ इस 7 डाना एक ऊपर हवा में, इसका नेट नहीं है, स्क्वाड मेरे को नॉर्मल ही लग रहा है। नहीं नहीं नीचे वाला बंदा भाई बहुत हैवी है, नीचे वाला बंदा भाई इस तरीके के जो फायर देते हैं, हल्का सा फायर दिया फिर कवर, हल्का सा फायर फिर कवर, ये बंदे भाई आराम से मास्क पुश कर लेते हैं क्योंकि यही सीन होता है, थोड़ा सा दिमाग के साथ गेम खेलते हैं। ग्रेनेड यहाँ पे फेंक है बट उस बंदे ने स्किल आई थिंक यूज करी और पीछे से आ गया है, बट इसकी शाणापंती मेरे आगे तो साफ जहर जलने वाली है, पीसी प्लेयर एक मोबाइल प्लेयर से मार दिया, ये दिक्कत वाली बात है, मार तो जाते हैं लेकिन सामने आईफोन होना चाहिए तब आपकी गेम होती है, क्योंकि यहाँ पे नेट दिक्कत हो तब भी आप मार सकते हैं, फिर ऐसे नॉर्मल आप लोग चांसेस ज्यादा यही होता है कि पीसी प्लेयर आपको मार दे, बट चलो दिया भाई भाई स्क्वाड के आई थिंक 3 से 4 बंदे यहाँ पे मारे हैं, स्क्वाड का इकलौता प्लेयर यहाँ पे शायद से बचा होगा, 9 किल यहाँ पे जरूर डन कर लिए और 20 बंदे अलाइव हैं, यानी 20 में से हम लोग 8 से 10 किल और भी अगर चाहें तो निकाल सकते हैं,
क्योंकि स्क्वाड गेम है, स्क्वाड गेम में ऐसा बात नहीं है कि 20 मारेंगे तो आल ही खत्म हो जाएंगे। ये जो 20 है रिवाइव भी करेंगे, अभी चेक करो 21 से 22 हो चुके हैं। तो भाई यहाँ से तो गाइस यहाँ से जून सरवाइव करके ऊपर आ चुके हैं एक और बंदा बॉडी स्पेस को। चलो एक्सीमेट के एक से दो शॉट, नीचे की साइड भी एक बंदा है पुल की साइड के ऊपर जो कि पीछे से डैमेज दे रहा है, इसको कवर दे रहा था शायद से अलग स्क्वाड का था, बट कोई ना यहाँ पे लॉ पर इस बंदे को शायद से पहले भी हम लोगों ने मारा हुआ है। दो हेड शॉट काफी अच्छे पड़े हैं एक्सीमेट के। MP5 के ऊपर चिप लग गया तो MP5 बाइक करते जहर है। अगर आपको लोगों के पास ईवो हो ऊपर से चार की हो और ऊपर से आप लोगों के पास एक आधी चिप लगी हो तो 11 यहाँ पे डन है, 17 बंदे अलाइव है। किसी भी सूरत जोन के अंदर हम लोगों को पहुंचना है अभी से। 2600 बोल रहा था, यहाँ पे 1800 हो गए तो इनमें से कुछ को डब्बे के अंदर आ रहे भाई, सारे डिब्बे के अंदर यूज कर लिए। जोन के अंदर पहुंचने के लिए सुपर मेडिकेट चाहिए और सुपर मेडिकेट आप लोगों को अगर चाहिए होता तो आप लोगों के पास टोकन हो तो यहाँ पे डिब्बे के अंदर लाजमी यूज करने लाजमी। आप लोगों को 4 का वेस्ट भी मिल जाता है डब्बे से और काफी अच्छी मेडिकेट्स भी मिल जाती हैं सुपर वाली। यहाँ पे 11 बंदे अलाइव है, जोन के अंदर हम लोगों को पहुंचना है। सॉरी भाई थोड़ा कट रहा है तो इसको थोड़ा पानी पी के दोबारा से कमेंट स्टार्ट करते हैं। ओके तो गाइज यहाँ पे आ चुके हैं लास्ट जोन के अंदर। ओ भाई यहाँ पे 2-3 बंदे थे जिन लोगों ने भाई गाड़ी को डैमेज दिया था और पानी पी के भाई दोबारा से हम लोग कमेंट रैंडम ही कर रहे होते हैं तो ऐसा कोई सीन नहीं, कोई स्क्रिप्टेड पहले एक आधा घंटा लिखे क्योंकि रैंक क्वेश्चन से टाइम नहीं मिलता था। यहाँ पे एक नहीं दो नहीं तीन बंदे एक साथ रश कर रहे हैं वो भी जी हैकर के ऊपर। चलो यहाँ पे थोड़ा सा सॉन्ग के साथ एंजॉय करो क्योंकि यहाँ पे काफी अच्छा मारा था। ओहो ये मोमेंट भाई ये चीज। और इसके साथ इस कोड के दो बंदे गए और यहाँ पे सुपर मेडिकेट लगा लेते हैं, वेस्ट भी काफी हद तक फट चुकी है। इसके ऊपर भी एक या दो रिपेयर किट यूज कर लेते हैं। टिकटॉक के ऊपर अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना है, यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, बिल नोटिफिकेशन वगैरह ऑल के ऊपर आप लोगों ने कर देना है सेट। इस स्क्वाड का ना आई थिंक लास्ट ही बंदा बचा हुआ था, तीन बंदे टोटल मैंने देखे थे, दो ने हम लोगों के ऊपर रश करा और तीसरा ये रहा। चलो ओहो यहाँ पे काफी अच्छे M4A1 के हेड शॉट पड़े हैं दो ही और नीचे की साइड भी बंदा है। चलो यहाँ पे मेडिकेट मार लेते हैं भाई, बहुत गंदे वाला डैमेज दिया। सुपर मेडिकेट का ही होता, अगर आप लोगों की 10-20 HP रहेगी तो एक ही सुपर लगाओ तकरीबन 90% से 95% तक आप लोगों की जो HP फुल हो जाती है। इस साइड के ऊपर जो बंदा था इसने बहुत ही गंदे वाला डैमेज दिया, सबसे पहले इसका किल लेते हैं अगर है तो। चलो किया भाई ये उस साइड पे देख रहा है, गन भी दूसरी वाली शील्ड वाली उठाइए ताकि हम लोग डैमेज दे सकते। ओहो अरे ये शॉट भाई M4A1 के साथ करता है यार। M4A1 इस टाइम तो चलाते नहीं लेकिन पहले बहुत यूज करी है M4A1। चलो ये किल कंफर्म, ऊपर वाले बंदे ने टोटल एक गोली से छोड़ा था क्योंकि वेस्ट खत्म हो गई थी। वेस्ट के बगैर जो डैमेज है ना वो 99% इंक्रीज हो जाता है अगर आपके पास एक वेस्ट अच्छा सा नहीं है तो। बाकी लेवल 1 या लेवल 2 से भी काम तो चल जाता है लेकिन 4 का वेस्ट हो तो भाई आप लोगों को हीरोइक के प्लेयर तो कतई नहीं मार सकते अगर आप लोगों के हल्का सा भी अच्छी मूवमेंट है। बात यहाँ पे चेक करो 17 किल्स के साथ आपका भाई यहाँ पे पूरा 4 बंदे अलाइव हैं और यहाँ पे लॉन्च पैड ड्रॉप से एक और बंदा, इसको एक ही शॉट पड़ना था जिस स्पीड के साथ हम लोगों ने यहाँ से मूव कराया ना वो सामने वाला ऊपर वाला अगर नहीं मारता तो टोटल इसको 2 गोली पड़नी थी M4A1 की, वो भी सर में जिस तरीके से पहले मारी है। बाकी भाई फील करो भाई 17 किल कर लिए और आई थिंक 2 ही बंदे रहते हैं क्योंकि 4 तो अपने स्क्वाड के अच्छी अलाइव है टोटल। ये तो किया बहुत डैमेज दिया इसको, ये भी गया। चलो मैक्रो या मारू है तो भी इतनी अच्छी थी नहीं इस मैप के ऊपर जितना मेरे को पता है हीरोइक के प्लेयर थे, ग्रैंड मास्टर का एक ही स्कोर था जिसको अर्ली फिनिश करना। बाकी यार 19 किल के साथ गुया करे और 19 टीममेट ने करेंगे 30-40 किल इस गेम के अंदर टीममेट्स और हमने करे हैं। लाइक एंड शेयर मार देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा भाई अपना ख्याल रखिएगा।